मेरे तमाम YouTube साथियों को फिर से मेरा मेरे इस खास चैनल पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और आज की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एनीकट और काजवे के बारे में। एनीकट भी है और रोड में जाने के लिए काजवे भी इस एनीकट में दिया गया है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, ये उसी एनीकट का स्ट्रक्चर है। इस एनीकट में एक खास बात ये है कि यहाँ की जो सॉइल की स्ट्रेटा है वो काफ़ी एज आर हार्ड सॉइल से, हार्ड रॉक से जो है यहाँ पूरी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है। और यहाँ दूसरी बात यह है कि यहाँ अबटमेंट नहीं किया गया। अबटमेंट के स्थान पे जो जैसे अपनी स्टेयर होती है, स्टेप होती है, बाथिंग घाट जिसको कहा जाता है, बाथिंग घाट में जिस टाइप से स्टेप होती है उसी टाइप से यहाँ पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है बनाई गई है। यहाँ आपको कहीं भी अबटमेंट, विंग वॉल, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो एक आज हमारे साथ एक कैमरामैन भी है जिनकी सहायता से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, तो कैमरामैन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ पूरा आज इस वीडियो को कैप्चर करने के लिए हर एक तरीके से, हर एक एंगल से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो इसके लिए लास्ट तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो वीडियो है वो होने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक बार मैं ओवरऑल व्यू जो है इस एनीकट का शो कर देता हूँ कि पूरी तरीके से जब भी आपको मैं इसके बारे में समझाऊं तो आपको पूरी तरीके से एक बार पूरी ओवरऑल व्यू जो है मैं यहां से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अपना एनीकट काजवे है जिसमें अबटमेंट कहीं भी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अबटमेंट नहीं है तो इसलिए यहां पर बाथिंग घाट का जो स्टेप है उस टाइप से पैटर्न पर ये पूरी की पूरी एनीकट बनाई गई है। अबटमेंट नहीं देने का एक प्रमुख रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेटा है, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी हार्ड है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे स्टोन आपको देखने को मिलेंगे, पत्थर जो है हैवी हार्ड रॉक पे। ये टोटल एनीकट जो है इसका फाउंडेशन पूरी के पूरी हार्ड रॉक पे बनी हुई है। और बाथिंग घाट बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, वो आपका चाहिए जो है एक्चुअली एनीकट हद्देव रिवर पर बनी हुई है, हद्देव रिवर पर बनी हुई है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ गेट जो है 22 है, 22 नंबर्स ऑफ गेट हैं। और जितने नंबर्स ऑफ गेट हैं उस हिसाब से उतने भी बैरल आपको यहाँ पर पानी जो निकल रहा है वो एक्चुअली ओपन बैरल है, ओपनिंग है गेट की, वहाँ से पानी का रिसाज हो रहा है। तो आपको यहाँ से वीडियो में क्लियर रूप से आपको दिख पा रही होगी। इसकी पूरी डिटेल के लिए चलिए मैं चलते हैं, आराम से मैं बताता हूँ, तो मेरे साथ लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले गेट का अरेंजमेंट देखिए। जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पर इस टोटल एनीकट में सबसे पहले यहाँ पर ये चांपा एनीकट के नाम से, जब भी आपको चांपा आना हो है ना, इससे इसी हसदेव रिवर पे हमारी जो पिछली वीडियो है कुदरी बैराज वो भी इसी रिवर पे है। और उस कुदरी बैराज, एक्चुअली कुदरी बैराज इस एनीकट के अपस्ट्रीम में मौजूद है। यहाँ से 4 किलोमीटर पे कुदरी बैराज जो है बनाया गया है, जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई हुई थी। और 4 किलोमीटर उसी बैराज के, कुदरी बैराज के डाउनस्ट्रीम पोर्शन पे ये चांपा लोकेशन है, यहाँ इस एनीकट बना हुआ है। यहाँ एक गेमन पुल है जो आने जाने के लिए प्राय गाड़ी जो है, रोड जो है वो आपकी वहाँ से भी देखने, जब एक इस एनीकट को देखा जाता है तो बहुत अच्छा व्यू जो है आपको देखने को मिलता है इस एनीकट से। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ इस एनीकट की, तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें और ये पल बिल्कुल भी आपको, ये वीडियो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर अपने पास गेट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। थोड़ी सनलाइट की होने की वजह से कभी कभी स्ट्रक्चर की भी परछाई आती है तो आपको क्लियर रूप से वो चीज़ें नहीं दिख पाती। ये देखिए अभी यहाँ गेट जो है अपनी ओपन है,
यहाँ एक बिल जो है एडजस्टमेंट बिल जो है उसकी सहायता से इस गेट को अप एंड डाउन कंडीशन में वर्टिकली लिफ्ट होती है और यहाँ से गेट ओपनिंग है। अभी पूरी गेट ओपनिंग नहीं है, ये खाली थोड़ा सा हिस्सा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा NBL नाला बेड लेवल आपको क्लियर रूप से दिखाई देगा। ये आपकी पियर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ गेट 22 नंबर, मतलब 22 नंबर है। जी हाँ, बैराज और यहाँ थोड़ी एक चीज़ की डिफरेंस होगी, वो डिफरेंस इस टाइप से होगी, अगर बहुत अच्छे से मैं बताना चाहूँगा। ठीक, तो जैसा यहाँ मैंने बताया था कि बैराज और एनिकट पोर्शन में कितना डिफरेंस, बैराज पोर्शन में जितने नंबर ऑफ गेट रहेंगे उसमें पेयर की संख्या एक कम करेगी, क्योंकि वो कंटिन्यू ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक गेट फिर एक पेयर फिर गेट, तो ऐसे कंटिन्यू अरेंजमेंट बैराज में होता है। जब एनिकट में अपन गेट और पेयर की सेट वाइज अपन अरेंजमेंट यहाँ देखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ क्या होगा, एक गेट में दो पेयर का, ये सभी गेट के पर्टिकुलर सेम इक्वल डिस्टेंस है। दिखाओ, यहाँ जो है गेट जो है पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस है, जो कट में पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया और गेट की अरेंजमेंट है, और एक एक गेट जो है इंडिविजुअल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो मेरी गेट है, गेट के दोनों साइड में पेयर, कहने के लिए यहाँ पर एक गेट और दो पियर का एक सेट, उसी टाइप से 22 नंबर ऑफ गेट में सभी में सेम सिचुएशन की तरह से फॉलो हो। तो ये गेट है, ये के बारे में बताना इनको रोटेट करने के, आपकी ये जो रॉड है कनेक्टिंग रॉड है जो वहाँ से आपकी कनेक्टिंग हुई यहाँ ऊपर नीचे वो जो है लिफ्ट करता है, ये जो है ये फिक्स रहता है, इसे अपन अब कई जगहों पर यहाँ स्लैब डाला जाता है जिसको स्टोरिंग गेट स्लैब कहते हैं, क्योंकि यदि इसी के बेस पे ये जो अरेंजमेंट है गेट का वो फिक्स रहता है, और यहाँ रोटेट करने से आपकी ऊपर नीचे लिफ्ट हो सकते हैं आपकी गेट ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ रोडवे है, इस रोडवे ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, ज़्यादातर से प्रायतर से 4.5 मीटर से 6 मीटर के बीच चला जाता है, इसमें बड़ी गाड़ियों का फोर व्हीलर का आना जाना बहुत रिस्की होता है। ये सामान्य तौर पे छोटे व्हीकल जैसे टू व्हीलर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टू व्हीलर आसानी से आ जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये एनिकट में पानी इसी तरह रहता है, गेट क्यों दिए जाते हैं, गेट का मेन पर्पस ये है कि जितनी भी हमारी नदी के द्वारा पानी के द्वारा जो बहाई हुई सिल्ट रेत है, बहुत सारे काई वगैरह है, वो सब गेट से निकल सकते, ये पूरी तरीके से कभी भी एनिकट में गेट के नाम से कभी भी कोई चार्ज सप्लाई पास नहीं है, फुल सप्लाई से चार्ज पास कराने के लिए गेटों का नहीं होता। गेटों का मेन काम ये भी होता है कि जो भी मिट्टी वगैरह बाहर के आए होती है उसको निकालने का काम जो आती है उसको निकालने का काम गेट जो है वो करता है। यहाँ पर गरी ग्रू मैंने नहीं बताया था, तो गरी ग्रू यहाँ मैं बताया, यहाँ भी वही है, अगर वो मेन जो आपके गेट है अगर वो किसी तकनीकी कारण से फाट हो जाती है, किसी उसमें खामी आ जाती है, तो यहाँ ऑर्डिनरी गेट आप लगा के उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है सभी ऐसे ऐसे सभी पेयरों के गेट का अरेंजमेंट, और ये जो गरी ग्रू है वो एकदम इक्वल रहेगा, आपके पास ब्लॉकिंग जो शटर है वो यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। आगे और चलेंगे, रोडवे के बारे से मैं बता रहा हूँ, मेरे कैमरा मैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा बात आ जाए और बता बस। इस एनिकट में काजवे है, इसकी तकरीबन चौड़ाई 4.5 मीटर है, जिसमें सिंगल व्हीकल मतलब कोई भी दो व्हीकल आमने सामने ड्रॉप कर सकते हैं आराम से, फोर व्हीकल का जाना पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। और यहाँ पर दोनों साइड में रोड के दोनों साइड में आपके पास ब्लॉक जो है वो आपके पास दिया हुआ है, जिसकी साइज 20x20 मतलब लेंथ 20 हाइट 20 है ना, और चौड़ाई ये सब इक्वल,
20 सेंटीमीटर की आपके पास दोनों साइड में प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से ये फिल गार्ड जो है वो दिया हुआ। ये तो बात थी रोड के बारे से। अब मैं बात करूँगा दोनों साइड में लेफ्ट और राइट बैंक में, मैं बाद में आऊँगा। अपन चलते हैं बैरल की ओर, आइए बैरल की ओर चलते हैं। बैरल की ओर चल के अपन देखते हैं बैरल में क्या से इंटरनल पोर्शन ऑफ व्हील। बैरल क्या होगी? बैरल आपको इंटरनल पोर्शन वो क्या है, अदर कॉन्क्रीट एयर की जो कॉन्क्रीट है उससे बैरल की जो कॉन्क्रीट है, बैरल में इतनी RCC कॉन्क्रीट होती है, जबकि बैरल के अदर साइड में दोनों साइड है जहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट का कुछ हिस्सा आपका RCC होगा और बीच की जो बैरल और टॉप क्रेस्ट के बीच की जो पोर्शन है वो नॉर्मल कॉन्क्रीट हो सकता है। बाकी जो हिस्सा है वो जैसे टॉप का बॉडी वॉल है वो उसमें 20 सेंटीमीटर से RCC कहते हैं। बीच का जो पोर्शन है यहाँ बैरल में ओपनिंग गेट की कड़ी दिखाई दे रही है, ये जो है गेट टाइप से जितने नंबर का गेट होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ ओपनिंग होगी, जहाँ से पानी जेल या जो भी अपने पास गाय वगैरह है वो सब निकालने के लिए यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। Yeah, concrete.
आपके पास यहाँ मौजूद हैं और आराम से हम बैठ के देख सकते हैं। इसकी हाइट तो है ही कम से कम एक डेढ़ मीटर के लगभग है, ये 1.2 मीटर कम से कम इसकी हाइट है। तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से इसको सजाया गया है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्योंकि मंदिर है इसलिए जो है यहाँ बहुत अच्छे से बहुत सारे आयोजन जो होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं, उस हिसाब से ये बहुत यहाँ अच्छे से सजाया गया है। लेकिन लेफ्ट बैंक में उधर मंदिर नहीं है, उधर आयोजन नहीं होता। तो वो उधर की जो स्टेप है, बातिंग घाट की जो स्टेप है, वो एकदम नॉर्मल। मैं एक बार कैमरा मैन से चाहूँगा कि वो एक बार लेफ्ट बैंक को दिखा सकें। वहाँ पर लेफ्ट बैंक जो है वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ इस टाइप से आपके पास किसी भी पैटर्न नहीं है, केवल बातिंग घाट के रूप में आपके पास वहाँ जो है दिखाने को मिलेगा। थोड़ा यहाँ भी एक पैटर्न के पास भी आना चाहूँगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी चट्टान है, थोड़ा पास से अपन देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी पैटर्न के बारे में काफ़ी खास स्पेटर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ भी एक बार नज़र घुमा सकते हैं। यहाँ से बैरल का नज़ारा जो है मैं जो है दिखाता हूँ। तो बैरल जो है, बैरल का नज़ारा कुछ इस तरीके से है।